हमारे प्राथमिकता है इलाज के लिए। कितने लोगों का दिखाई जा रहा है? अभी देखिए पहली प्राथमिकता हम लोग की विधि व्यवस्था नियंत्रण की है, बाकी कार्रवाई उसके बाद की जाएगी। सर हालात में आपको बात करना चाहिए, जिस तरीके से लाठी चलाई गई जिससे वो काफी छोटी हो गए, इसलिए उनको बेहतर इलाज पहले करानी चाहिए। हम लोग की प्राथमिकता वही है कि वो जल्दी जल्दी स्वस्थ हो जाए और बाकी विधि व्यवस्था की हम लोग नजर रखे हुए हैं, आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। शिक्षा में सुधार को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का आक्रोश मार्च चल रहा है। पटना के मंगला चौराहे पर पुलिस ने आक्रोश मार्च को रोका है, लेकिन समर्थक काफी आक्रोशित हैं, उत्तेजित हैं। जो ब्रैकेटिंग किया गया है, इसे तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और पुलिस बल पूरी तरीके से यहां मुस्तैद है और इन्हें रोक रहे हैं। जो रालोसपा के कार्यकर्ता हैं उनसे बात करता है, किस चीज को लेकर आज आप लोग का आक्रोश मार्च चल रहा है? शिक्षा में सुधार को लेकर आक्रोश मार्च निकाला गया है। बिहार का शिक्षा बदहाल है, शिक्षा को लेकर सरकार चिंतित हुई है। उपेंद्र कुशवाहा जी 1 करोड़ हस्ताक्षर ज्ञापन राज्यपाल को सौंपेंगे, इसलिए आज आक्रोश मार्च निकाला गया है शिक्षा में सुधार। आक्रोश मार्च निकालने से शिक्षा में सुधार हो जाएगा? हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अब शिक्षा में सुधार सरकार करेंगे, हम लोग लड़ाई करते रहेंगे शिक्षा के लिए। आया जा रहा कि जब आपके नेता केंद्र में शिक्षा मंत्री थे तब उनको कड़ा कदम उठाना चाहिए, उनके हाथ में रहता तो वो कर देते, उनके हाथ में बस में नहीं था, उनके बस में नहीं था, वो शुरुआत से लड़ रहे हैं शिक्षा में सुधार के लिए। तो सीधे तौर पे जो रालोसपा के कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि शिक्षा में जब तक सुधार नहीं होगा हमारा आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। इनके नेता उपेंद्र कुशवाहा के अगुवाई में यह शिक्षा आक्रोश मार्च निकाला गया है, जिसे डबंगला पर पुलिस ने रोका है। गणेश सम्राट, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।